रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कोल्ड वॉर के बाद यह पहला मौका है जब न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। बाइडेन ने कहा, पुतिन जो परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं वो मजाक नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। पर मंडरा रहा है परमाणु युद्ध का खतरा। पुतिन की धमकी ने कैसे उड़ाई बाइडेन की नींद। पुतिन का परमाणु अल्टीमेटम मजाक नहीं। रूस और यूक्रेन का युद्ध क्या परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा? क्या पुतिन अपनी जीत के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? ये सवाल अब और भी बड़े हो गए हैं और इन सवालों ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की चिंता को बढ़ा दिया है। एक दूसरे पर वार प्रतिवार करने वाले बाइडेन और पुतिन के बीच अब बाइडेन ने पहली बार एक बड़े परमाणु युद्ध की आशंका जताई है। बाइडेन ने कहा कि अब उन्हें लगता है कि दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है और पुतिन जो बार बार न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं वो धमकियां मजाक नहीं है। बाइडेन ने अमेरिका में दिए अपने बयान में कहा कि 1962 में कैनेडी और क्यूबा मिसाइल संकट के बाद हम पहली बार इस डर का सामना कर रहे हैं। पुतिन की परमाणु धमकी मजाक नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि यूक्रेन के युद्ध में पुतिन की सेना का ठीक प्रदर्शन नहीं करना ये आशंका बढ़ा रहा है कि पुतिन अब युद्ध में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो परमाणु युद्ध के खतरे की तरफ जाता है। साथ ही बाइडेन ने ये भी कहा कि यूक्रेन में रूस के पास कम विकल्प बचे हैं और वो छोटे परमाणु हमले कर सकते हैं जिसका बड़ा असर होगा और व्यापक संघर्ष पैदा होने का जोखिम होगा। बाइडेन का ये बयान पुतिन की उस धमकी के बाद आया है जिसमें उन्होंने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हथियार के इस्तेमाल की धमकी दी थी और साथ ही ये भी कहा था कि उनकी बातें ब्लफ नहीं है। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО.